इलेक्ट्रॉनिक। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हैं हम इस वक्त, और क्षत्रिय युवक संघ अपने संस्थापक तन सिंह जी की 100वीं जयंती मना रहा है। हमारे साथ क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह जी रोल साहब। सर हैं साहब, क्या मैसेज हैं? मैसेज देने वाले स्वयं तन सिंह जी ही हैं जिनकी 100वीं जयंती हम मना रहे हैं, और हमको ऐसा भी लग रहा है कि सारी व्यवस्था भी वो ही कर रहे हैं। ये स्टेडियम मिलना अपने आप में एक उपलब्धि माना जाता है बड़ी कठिनाई से, और इस पीरियड में लगभग साल भर से अपने लोग प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इन बच्चों को धन्यवाद दें या तन सिंह जी का आशीर्वाद समझें। ये सब अपने आप होता जा रहा है, और कल जो कार्यक्रम है, समारोह है, वो इवेंट बन कर के नहीं रह जाए, एक मैसेज बन कर के रहे संपूर्ण भारतवर्ष में सभी समाजों के लिए। जिस प्रकार से हीरक जयंती जयपुर में मनाई गई थी, वैसा उससे भी बेहतर ढंग से यहाँ कार्यक्रम हो, इसका प्रयत्न करने वाले तो ये बच्चे हैं, और मैं सोचता हूँ सब वही कर रहे हैं जिनकी शरण में हम हैं। आप बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक इवेंट, एक सामान्य आयोजन बन के नहीं रह जाए, हम यहाँ से कुछ सीख लेके जाएं, जिस तरह से हीरक जयंती का आयोजन हुआ। तब आप तन सिंह जी के साथ आपने उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, कैसा कोई अनुभव आपका जो एकदम विलक्षण रहा हो? मैं 1961 से उनसे जुड़ा हुआ हूँ जब मैं अध्ययनशील था, और फिर धीरे धीरे उनके साथ ही पहुँच गया, साथ ही उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी मैं काम करता रहा, क्षत्रिय युवक संघ में भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहा। लेकिन मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कोई बड़ा आदमी बन गए हूँ क्योंकि तन सिंह जी के साथ रह गया। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं एक उनका एक छोटा सा स्वयंसेवक रजकण जीतना, यदि ऐसा हो सकता है तो संसार के किसी भी व्यक्ति में वो क्षमताएं हो सकती हैं जो बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे तन सिंह जी ने किया। क्षत्रियों को राजनीतिक या सामाजिक रूप से उत्थान के लिए क्या प्रयासों की आवश्यकता है, और अपन उस दिशा में क्या कर रहे हैं? क्षत्रिय कौम ने पूर्व में हजारों वर्षों तक शासन किया, बल्कि सुशासन दिया, लोगों का रक्षण पोषण किया, लोगों को सुख सुविधाएं दी, खुद मर के भी लोगों को जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। वही संदेश पूज्य तन सिंह जी ने हमारे जीवन में ढालने का कोशिश किया, और उसी को हम यहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं, वही संदेश हम यहाँ देना चाहते हैं। अभी भारत रत्न की घोषणा हुई है कर्पूरी ठाकुर को, पिछड़े समाज से वो आते हैं और पिछड़ों के लिए खूब काम किया। आज़ादी के बाद आज तक एक भी क्षत्रिय को भारत रत्न नहीं दिया गया किसी भी सरकार में, कैसे देखते हैं इसको, जबकि हम या आप दावा करते हैं कि क्षत्रियों ने इतना महान काम किया है? हमने कभी किसी कोई रत्न आदि की, भारत रत्न या अन्य कोई पद्मश्री आदि बनने की कभी परवाह नहीं की, और जो परवाह करते हैं वो मैं सोचता हूँ कर्पूरी ठाकुर ऐसे नहीं थे, लेकिन उनके बहुत दिनों बाद जाने के बाद में लोगों ने दिया तो वो उसके योग्य थे। लेकिन हम ये कहें कि तन सिंह जी को दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग हम नहीं करने वाले हैं। यदि समाज को ऐसा लगेगा, सरकार को ऐसा लगेगा तो देगा, उसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे संघर्ष नहीं किए, कभी भी कुछ भी पाने के लिए नहीं किया, देने के लिए किया। ये संगठन क्षत्रिय युवक संघ का संगठन किसी के विरुद्ध नहीं है, न कोई राजनीतिक पार्टी के और न किसी और अन्य संगठन के, ये अपना कर्तव्य करता है, अपने कर्तव्य मार्ग का ही मार्ग बताता है, उसी पर चलता है, और वो पूज्य तन सिंह जी की कृपा से ठीक चल रहा है। तन सिंह जी का एक संदेश था कि अच्छा नेता वो हैं जो अपने रहते ही नया नेता चुन ले जी। तो उन्होंने अपने रहते नारायण सिंह रेड़ा को चुना, नारायण सिंह रेड़ा ने अपने रहते आपको चुना, और आपने अपने रहते लक्ष्मण सिंह बेणेगाबास को चुना। तो
क्या दूसरे राजनीतिक संगठनों में या सामाजिक संगठनों में चीज की आवश्यकता को कहाँ देखते हैं? काम सभी को करना चाहिए। ये वो नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं रुकावट है। बहता पानी निर्मला, और जहाँ रुक जाता है वह षडांध आ जाती है, वो स्टेग्नेंट हो जाता है, वो फिर खराब हो जाता है। हम तो ऐसा सोचता हूँ कि हर संगठन में इस प्रकार का होना चाहिए कि अपने पीछे वाली पीढ़ी को स्वयं तैयार करना चाहिए और उनको अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने जीते जी उस काम को देख लें कि ये लड़के ठीक काम कर सकेंगे या नहीं। उनको हो तो टोक करके बताएं, उनको सही मार्ग बताएं। तो भगवान सिंह जी साहब से अच्छी बात हुई, आपने कहा कि क्षत्रिय युवक संघ का जो प्रयास है वो किसी तरह की डिमांड या किसी तरह की मांगों से परे हैं, और साथ ही आपने कहा कि उनके संगठन ने या उनके संगठन के जो शुरुआत करने वाले तन सिंह जी थे, उन्होंने जो मार्ग तय किया उसी पे संगठन चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कैमरा पर्सन मालचंद के साथ प्रदीप विधवा।